तो बैठे नहीं है फकीर बैठे नहीं दोस्तों को सलाम लेते हैं। जुमे के बाबर का दिन की मुबारक और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं, अपने ख्वाहिशात जो आपके प्यारे पीछे हैं, अजीज वकार खानदान दोस्तों, उन सब के लिए बहुत सारी दिली दुआएं। इंसान को जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ताला अता फरमाता है उनमें से एक हमारी सेहत है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं आपसे आपके आपको दी गई नेमतों के बारे में जरूर सवाल पूछूंगा। तो क्या हम अपनी सेहत का कदर करते हैं? आप सबसे ये सवाल है, क्या हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? अगर हम रखते हैं तो ये जारी रखें, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो आज के बाद ये नया साल भी इसी शुरू हो रहा है, हम आज के बाद आइंदे दिनों में ये एक अज़म और इरादा करें कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। सिंधी में चवंदा आहिनि जी खुश त जहान खुश। अगर हम खुद ठीक हैं, सेहतमंद हैं, हौसले और हिम्मत में हैं, तो हम अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगे और साथ में दीगर लोगों का भी ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह हम सब इस बाबरकत दिन ये इरादा करते हैं, अज़म करते हैं कि हम ज़रूर, क्या आप मुत्तफिक हैं इस चीज़ से? मुत्तफिक हैं? जल्दी में हाथ ना उठाएं, ये एक रोज़ाना का काम है, ये कोई साल में एक मरतबा करने की बात नहीं है, ये रोज़ाना का काम है। तो मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, आपने थोड़ी देर सोचा होगा, कुछ मिनट मिले हैं, कुछ सेकंड मिले हैं, क्या आप वाकई, क्या हम सब अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे? या जो बात ऊपर करता है, आप देखें, अगर जो कर सकते हैं बात ऊपर करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई तकलीफ लायक है, डायबिटिक है, शुगर है, या उसको ब्लड प्रेशर है, तो वो रोज़ाना के बुनियाद पर दवाओं का इस्तेमाल मामूल बनाए और इसमें किसी के कहने पर उस दवा को मुनकत न करें, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें और उसकी हिदायत पर अमल करें। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला के जिक्र की दौलत हमें मिली है। ये जिस्म की बात हो गई, जिस्म जिस पर हम इतने सारे, जिसके बलबूते पर हम इतने सारे मज़े करते हैं। आप अपने घर से चल कर यहाँ तक आए तो तभी मुमकिन हुआ जब आपके जिस्म ने आपका साथ दिया, ऐसा है या नहीं है? अल्लाह न करे अगर किसी की टांग में कोई मर्ज हो या तकलीफ हो तो वो आ सकेगा, उसको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। अल्लाह न करे किसी के हाथ में तकलीफ हो, तो ये जिस्म
जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो इसकी तो कोई परवाह ही नहीं है, भाई ये बहुत बड़ी अहम तरीन सवारी है हमारे रूह की, हमारे कलब की, जिस पर हम अपनी मोहब्बत, हमारे रूह में तड़प पैदा हुई, शौक पैदा हुआ कि हम जाएं और नमाज पढ़ें, तो ये हमारे रूह की ख्वाहिश थी, हमारे कलब की तड़प थी। अब चलकर कैसे जाए, उसके लिए टांगे चाहिए, उसके लिए जिस्म चाहिए, तो ये हमारे रूह और कलब की जो सवारी है, जो उसका घोड़ा है, वो ये जिस्म है। तो इसको सही रखेंगे तो फिर जहाँ हमारा दिल चाहेगा वहाँ जा भी सकेंगे, वरना तो हम कैसे जाएंगे, सही है या गलत है बात। तो फिर अब रूह और कलब की बात आती है, हम यहाँ आए हैं अपने कलब और रूह की प्यास बुझाने, और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे कलब और तुम्हारे रूह की प्यास तब बुझेगी जब तुम मुझ अल्लाह ताला को याद करोगे। जिस कदर हम अल्लाह का जिक्र कसरत से करेंगे, उतना ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान की दौलत, रहमत, बख्शिश हमें अता की जाएगी। तो हम अपने दिल को हमेशा अल्लाह ताला की याद में, हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस, हर आन, हर घड़ी अल्लाह ताला के जिक्र और याद में शागिल रखने की कोशिश करें। वो जो कहा गया है कि जो जब एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला मुझे अर्श अजीम पर याद फरमाता है तो मुझे पता चल जाता है, तो अहबाब ने अर्ज किया कि वो कैसे मुमकिन है, अल्लाह ताला तो अपने अजमतों और अपने जलाल और किबरियाई की वजह से हम उसको देखने से महरूम है, नहीं देख पाते, आपको कैसे पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही फर्श पर मैं अल्लाह के जिक्र में शागिल होता हूँ तो ये इसकी अलामत होती है कि अल्लाह ताला मुझे अर्श पर याद कर रहा है। यहाँ हमारा बैठना ये इस चीज़ की अलामत है कि अल्लाह ताला हमें याद फरमा रहा है। तो हजारों लाखों करोड़ों में से हमें ये दौलत मिली है, तो हम सबको, आप सबको इसकी मुबारक। दोस्तों आपने देखा होगा कोई एक बर्तन जिसमें जो बहुत ही खूबसूरत हो, बेहतरीन हो, और वो दीदा जेब हो और देखने में बहुत ही खुशनुमा हो, तो पहली नज़र में तो हर कोई उसको चाहता है। लेकिन अगर किसी को भी पता चले कि ये दीदा जेब बर्तन, ये खूबसूरत मर्तबान, रंगीन और सुनहरी नक्शो नगार और फूलों से चमकता दमकता ये मर्तबान, बजाय तो खुशनुमा है लेकिन अंदर इसमें गंदगी भरी हुई है, गोबर भरा हुआ है, तो कोई ऐसे बर्तबान को उठाना पसंद करेगा, कहेगा कि भाई जाहिरी तौर पर तो अच्छा है लेकिन अंदर तो गंद है ना इसमें। तो हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शक्ल और अच्छी लिबास में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर में ऐसा तो नहीं है कि गंद भरा हुआ है, बोझ, कीना, मुनाफकी, नफरत, तकब्बुर, ये चीज़ें अगर भरी हुई हैं तो फिर ये सारा लिबास जो है ये एक अलामती चीज़ है। और जब भी किसी को पता चलेगा कि ये ज़ाहरी तौर पर तो खुशनुमा शख्स है लेकिन अंदर इसके गंदगी भरी हुई है, तो जानने वाला शख्स तो उसके करीब भी नहीं जाएगा। ये और बात है कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों को ढांप देता है, हमारी खराबियों से लोग वाकिफ नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे, मेरी नज़र तुम्हारे लिबास और शक्ल पर नहीं है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी नज़र तुम्हारे कलब और रूह पर है। तो जब कलब और रूह में अच्छाई नहीं है तो फिर अल्लाह ताला की नज़र में हम पसंदीदा कैसे बन सकते हैं। तो आइए आज ये भी हम अज़म करें, अंदर से जितनी भी खराबियाँ हैं वो हम दूर करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हम करीब हो सकें, और ये चीज़ हमें मुर्शिद कामिल ने सिखाई। मुर्शिद कामिल की मोहब्बत पहला सबक है, पहला स्टेप है। जब ये चीज कायम हो जाती है तो फिर इस पर ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हो जाती है। मुर्शिद की मोहब्बत इतनी कसरत और ज्यादा होनी चाहिए, जो कि तरीके नक्शबंदी में बुनियादी चीज है, कि हमारे मुर्शिद कामिल के मुर्शिद हुजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम अपने मुर्शिद की मईयत में एक बहुत बड़े उलुल अज़म वली कामिल जो गुजर चुके थे उनके मज़ार पर गए। दुनिया आ रही थी और वहाँ ज्यारत कर रही थी और फातिहा पढ़ रही थी। वो फरमाते हैं कि हम वहाँ बैठ गए और हम ये कहने लगे उस बुजुर्ग को मुखातिब करके अपने दिल में कि तुम्हारा बड़ा शान है,
ए वली कामिल तुम्हारी बड़ी अजमत है, तुम्हारा बहुत बड़ा फैज है और इतने लोगों को आपने फायदा पहुंचाया, लेकिन वो कहने लगे कि या हजरत मेरे लिए मेरा मुर्शिद काफी है, मुझे उनकी मोहब्बत चाहिए, मुझे उनकी कुर्बत निस्बत मेरे लिए बहुत बड़ी है, यही मेरे लिए काफी है। तो कहने का मकसद ये है कि जहां भी वो जाते थे तो वो समझते थे जो भी हमें अता हो रहा है वो मुर्शिद कामिल की निस्बत की वजह से और उनकी ताल्लुक की वजह से अता हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि यकरा गिर महकूम गिर, एक को थामो लेकिन मजबूती से थामो। तो दिल का काबा व किबला मुर्शिद कामिल की जात होती है, तो जिस कदर हमारे दिल का रुख मुर्शिद की तरफ पक्का और सीधा होगा उतना ज्यादा हमें फैज और फायदा हासिल होता रहेगा। आप जब आप सब अहबाब यहाँ आए हुए हैं, वापस भी जाएंगे, तो हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक, या हुज पिरन वट या कर पिरन संदी पचा, इन्हें बिनी गालियन खां थार शल कादर कहीं के न करे। या तो अपने प्यारों के साथ रहो, अगर प्यारों से दूर जा रहे हो तो अपने प्यारों का जिक्र कर। तो ये एक खुशबू है, वो खुशबू जब फैलेगी तो सैकड़ों लोग उस खुशबू से फैजियाब होंगे। तो हम जब भी जाएं तो तरीके आले की तबलीग का काम सर अंजाम देते रहें, तंजीम के अहदेदारान खुलफाए कराम आम फुकरा इस तबलीग के काम को सर अंजाम देते रहें, सिर्फ अपने जोर बयान से नहीं, अपने खूबसूरत अमल से, अपने प्यारे अखलाक से, अपने नरमी से। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो औसाफ जमील कुरान मजीद में अल्लाह तआला ने बयान फरमाए और सहाबा ने बयान फरमाए कि आप हमेशा कुशादा पेशानी और खंदा रो रहे थे, मुस्कुराते रहते थे। अगर खिलाफ मिजाज की बात होती तो उसको बर्दाश्त कर लेते थे, माफ कर देते थे, मोहब्बत फरमाते थे, शफकत फरमाते थे। तो मुबल्लिगीन अपनी तकरीर से भी लोगों को महजूज करें, लेकिन अपने हुस्ने अखलाक और नरम रवैये से उस बात की तस्दीक भी करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुर्शिद कामिल की निस्बत से, उनकी मोहब्बत से, उनके ताल्लुक से ये चीज़ें भी मिली हैं कि हमारे अखलाक और आदात अच्छे होने चाहिए। और जब हम अपने घरों में रहते हैं, अपने इलाके में उठते बैठते हैं, तो सैकड़ों लोग हमें नजर आते हैं। कभी कोई सर्दी से कांप रहा होता है खुदा न खास्ता, कभी किसी को बुखार होता है, कभी किसी को कोई और तकलीफ होती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना हमारा बस है अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से, जो हमारे जमात हमारे मुर्शिद कामिल ने बनाई है उसके प्लेटफॉर्म से, उसके निस्बत से हम लोगों की मदद करें। अगर किसी को गर्म कपड़े की ज़रूरत है तो आप इस जमात के फर्द होने की हैसियत में उसकी मदद करें। इंशाल्लाह जो आपकी तंजीमी ढांचा है, दस्तूरुल अमल है, उसमें इस तरह की चीज़ें शामिल होंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो चीज़ें शामिल कर दी जाएंगी कि खिदमत खल्क जिसका सालाना उस पर बताया गया था कि ये भी एक अहम तरीन नुक्ते जो हमारे हैं उनमें ये शामिल है। तो उस खिदमत खल्क क्या तरीक़ेकार क्या होगा, एक ब्रांच की सतह पर, एक ज़िला बाडी की सतह पर, एक सूबाई बाडी की सतह पर, मरकजी सतह पर, ये इंशाल्लाह मिलजुल के अहदेदारान भी इसका तरीक़ेकार बनाए और ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके। किसी एक ब्रांच का मेंबर उसके दिल में ये शौक और जज्बा है कि किसी की खिदमत करना चाह रहा है तो अपने तंजीम के प्लेटफॉर्म से वो कैसे काम करे, इंशाल्लाह ये भी काम सरंजाम दे दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में हमें एहतियात की सख्त जरूरत है, हम समाजी दूरी का सब ख्याल रखें, बहुत जरूरी है, रोजे अमल से कहा गया है। और जब भी हम बाहर निकले मास्क पहन करके निकले, लोग हंसते हैं तो हंसने दें, अगर वो बोलते हैं तो बोलने दें, लेकिन हमें अपने इस तरीके का को नहीं छोड़ना है। ये माहिरीन सेहत की तजवीज़ है, इस पर पूरी दुनिया के माहिरीन सेहत मुत्तफिक है। तो लोग कुछ भी कहें, आपने इसको एहतियात को मलूज रखना है। अगर कहीं किसी चीज़ को छू लिया है तो चूंकि ये ऐसा वायरस है कि जो छूने से इंसान के जिस्म पर आ सकता है, तो हम अपने हाथों को जरूर दिन में कहते हैं 15 दफा 12 दफा जितना भी हो सके अच्छे सोप से, जो कि बैक्टीरियाज को वायरस को मार देता हो, उसके जरिए अपने उस महलूल या उस साबुन के जरिए अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। अन्नज़ाफ़त मिस्ल ईमान, सफाई ईमान का आधा है। अगर आप में से कोई मजबूत सेहत का मालिक है और उसको कुछ नहीं हुआ, जो एक अच्छी बात है, अल्लाह महफूज रखे, लेकिन वो वायरस घर लेकर आए और घर में सब लोग मजबूत सेहत के हामिल नहीं है,
कोई बड़ी उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें से किसी को बीमारी लग गई, तो जरिया तो हम और आप में से कोई बनाना, तो ये कितनी एक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की बात है। कभी भी इस तरह की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सब अब आपको आज गुजारिश करता है और अपने आप को तलकीन करता है कि हम जिक्र कसरत से करें और मुराकबा का एहतमाम रेगुलर बुनियादों पर हम करते रहें। मुराकबा बड़ा ही मुफीद और मुअसर है। जो सांस आए वो अल्लाह की याद में, जो सांस बाहर जाए अल्लाह 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 अल्लाह। और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत आप और हमने खुद करनी है, किसी और के हाथ से नहीं करवानी, उनको अच्छी बातें सिखानी है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बच्चों से प्यार करो और बड़ों की इज्जत करो, तो इंशाल्लाह अच्छी तालीम तरबियत और अपने साथ रख कर चलने से उनमें ये जोहर पैदा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक मल अता फरमाए और इस बीमारी के आलम में आप और हम सब एहतियात करें। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बल्कि सब मुसलमानों और इंसानों को इस मूजी मर्ज से अपने सोमान में रखे। बहुत शुक्रिया। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر